हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जो यूपी जेल बॉर्डर और ये फायरमैन के जो फॉर्म पड़े हुए थे उनकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो उसका नोटिस पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले यूपी पुलिस की ऑफिशियल साइट पर पहुँचना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए, हमने टाइप कर रखा है UPPVRB। यहाँ पर आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये जो पेज खुलेगा, इसमें आप पहली ही साइड आपको सर्च करनी है। तो इस पर आप क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप सीधे ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महत्वपूर्ण यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी नोटिस आता है वो यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के कितने 3012 पद एवं महिलाओं के लिए 626 पदों पर जेल बॉर्डर आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 102 तथा फायरमैन के 2065 पदों पर सीधी भर्ती 2016 की लिखित परीक्षा के संबंध में यह विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक नोटिस डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद उसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो अभी जो नोटिस है वो डाउनलोड हो रहा है, और ये नोटिस जैसे ही डाउनलोड होता है तो ये खुल जाएगा। और खुलने के बाद इसमें आपको क्या है, आपको देखिए देखना है, यहाँ पे लिखा है अति आवश्यक। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड तुलसीगंगा कॉम्प्लेक्स 19C विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इसका पिन कोड दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप आएँगे तो विज्ञप्ति दी हुई है ये, तो उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन सुधार विभाग में पुरुषों के 3012 पद एवं महिलाओं के लिए 626 पद, जेल बॉर्डर आरक्षी पुलिस घुड़सवार के 102, फायरमैन के 2065 पदों पर सीधी भर्ती 2016 के लिखित संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, तो कृपया उत्तर प्रदेश प्रशासन निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के 3012 पद, महिलाओं के लिए 626 पद और जेल बॉर्डर आरक्षी घुड़सवार के लिए 102 पद, फायरमैन के लिए 2065 पद भर्ती 2016 के अंतर्गत अधियाचिका पदों पर सीधी भर्ती कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु अधियाचना बोर्ड के प्राप्त अधियाचिका पदों के सापेक्ष भर्ती की कार्यवाही संपादित करने हेतु विज्ञप्ति निर्गत करते हुए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनके क्रम में अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र बोर्ड भर चुके हैं। उक्त भर्ती के संबंधित ऑफलाइन लिखित परीक्षा माह सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह यानी अंतिम सप्ताह में होगी, यानी 24 तारीख के बाद समथिंग अंतिम सप्ताह जो चलेगा आपका सितंबर में, वहां पे आपकी ये होगी सीधी भर्ती अंतर्गत याचिका लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जो होंगे उनके संबंध में अग्रेतर कार्यवाही जो आपकी की जाएगी, आगे की जो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उपर्युक्त सूचित होकर अभ्यर्थी नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट इतने पर अवलोकन करते रहें। परीक्षा की तिथि व समय के अभ्यर्थियों को शीघ्र सूचना दी जाएगी कि कब निश्चित तारीख आपकी बता दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ये नोटिस आज जारी हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। और आप अपनी तैयारी करने के लिए भी आपको मैं सजेशन दूँगा कि मैं अपने चैनल पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा, और उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले यूट्यूब में आप टू टॉप स्टडी, देखिए यहाँ पे पहले ही नंबर पे ये मेरा आ गया है बेसिक टू टॉप स्टडी करके चैनल, इस पर आप सर्च करेंगे। और सर्च करने के बाद आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। देखिए, तो यहाँ पर ये जो हमारा चैनल है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा लोगो है चैनल का, और यहाँ पर ये मेरा चैनल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो भी वीडियोस चाहिए उसकी प्रैक्टिस सेट जो भी मैं कराऊंगा वो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आपको सभी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई टॉपिक ढूंढना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारी सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे जाकर भी तैयारी कर सकते हो, जैसे SCM LCM का अभी आपका चैप्टर चल रहा है, उससे पहले मैंने आपको एलिगेशन करा दिया। ठीक है, एलिगेशन की वीडियोज़ हो चुके आपके, उसके बाद आप जाएँगे तो आपको और भी मिलेंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके काम के जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका हो चुका है पूरा चैप्टर, 17 वीडियो हो रही थी इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ जाएंगे तो एवरेज आपका हो गया है, इसमें 12 वीडियो हो चुकी हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद आप अगर हिंदी से आप जैसे आप रचना याद करना चाह रहे हैं तो उनके भी हमने ट्रिक के माध्यम से आपको डिस्कस यहाँ कराया है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला आपको कराई है, ठीक है, हिंदी साहित्य के बारे में, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं। उसके बाद आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे जैसे नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर आप यहाँ सर्च आउट कर सकते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क आपका हो चुका है, त्रिभुज हो चुका है, तो इस प्रकार से आप जैसे स्लॉक्स आपका रीजनिंग का है, अल्फावेट्स है, ठीक है, इस तरीके से आपकी सभी प्ले लिस्ट इसमें मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और आपका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ये जो मेरे कंसेप्ट के वीडियो पहले से पड़े हुए हैं और प्रतिदिन आ रहे हैं वो आपकी बहुत सहायता करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पर होगा, ये ऐसे करके, ये तो मैंने सब्सक्राइब ऐसे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपका एक बेल आइकन आएगा, उसे आप दबा देना तो आप वहाँ से आप इस चैनल पर पहुँच जाओगे, ठीक है। ये जैसे बेल आइकन है इसी पर दबाओगे तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में रहने देते ना ही, अब आपको प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। आपको पूछ लूँगा मैं, आपको कम्युनिटी में टैप कर दूंगा कि आपको किस टाइम आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट में हम आपके सभी सब्जेक्ट डिस्कस कराएंगे, रीजनिंग, ठीक है, मैथ डिस्कस कराएंगे, ठीक है, हिंदी डिस्कस कराएंगे आपको प्रैक्टिस सेट में। तो इन तीन चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है, और जीएस का भी आपका पोर्शन हम क्या करेंगे, आपका सेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों पर आपका बहुत कमांड रखेंगे, क्योंकि जीएस का आपका ऐसा है कि जीएस का आपका कोई भरोसा नहीं होता कहाँ से आ जाए, ठीक है। तो उसकी भी आपको तैयारी कराते रहेंगे, ठीक है। तो आप अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में रहने देते इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।